What's up, my lovely people? What is up? आज जैसे कि मतलब तुम लोगों को पता है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा अलग अलग इसके लिए कर रहा हूँ कि आज का टॉपिक ही वैसा है। मेरे को पता है यहाँ पर एमिवे के भी फैंस आएंगे, बस मेरे जो भाई लोग हैं, मेरे जो फैमिली है, वो लोग भी मेरे को देखने वाले। तो तुम लोगों को पता है कि मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा पिछले 2 वीक से बीमार हूँ और मैं अभी फिलहाल ठीक फील कर रहा हूँ, बट मेरा गर्दन का जो इंजरी है उसके लिए मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बट मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि आज रिया बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है 2 दिन से, तो मतलब वो हो ही रहे, ऊपर नीचे हो ही रहे, तो उस वजह से मैं सोचा कि वीडियो शूट नहीं करूँ। बट फिर मैंने सोचा कि कर लेना चाहिए यार, क्या हो गया, मेरी पब्लिक रुखी रहती है यार, अच्छा जाता है उनका। तो हियर आई एम, है कि नहीं, टाइटल थंबनेल तुम लोग ने देख लिया। आज के दिन पे हम लोग एमिवे के न्यू सॉन्ग पे अपन रिएक्ट करने वाले। रिएक्ट करने से पहले सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं, वेलकम बैक टू चैनल YouTube और मेरे को बता दो आप सारे केसेस बढ़िया उससे मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे हो। अरे भाई का बाल अभी रेड से फुल, हमारे भाई का अंदर का सुगुना बाहर आ रहा है, अभी फुल पावर बाहर आ रहा है। तो वही है, इससे पहले भी मैंने कृष्णा और एमिवे का जो लास्ट टू लास्ट ट्रैक था, कौन सा KRS और कृष्णा कौन सा था, लिल पट्टी, उस पर रिएक्ट किया था। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि नेक्स्ट सॉन्ग पे भी रिएक्ट करो, तो मैं सोचा कि मतलब ठीक है, करने से मेरे को नंबर्स मिल जाएंगे, बट फिर एज एन आर्टिस्ट भी मैंने सोचा कि मतलब वो थोड़ा सा है ना बी फॉलो का पर्सनल लेवल पे चला गया, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, इस चीज़ का फायदा उठाना ठीक नहीं रहेगा। मतलब ऑब्वियसली वो चीज़ इंटरनेट पे है, बट इंटरनेट पे होने के बावजूद मेरे को मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट है वो ऐसा मना कर रहा था यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पे चला गया था और मेरे को नहीं चाहिए था कि मैं इंटरनेट पे कोई ऐसी चीज पे रिएक्ट करूं जिससे एक हेट का मीडियम या एक हेट का गेट खुल जाएगा किसी के भी टूवर्ड्स, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों में से किसी को भी मैं हेट करता हूँ या जो भी है, इन जनरल बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना पर्सनल वो हो गया है, मेरे को ऐसा लगा कि सब चीज इंटरनेट पे रिएक्ट करने के लिए नहीं होता है, चॉइस होता है। तो मैंने चूज किया कि ठीक है यार, छोड़ जाने दे, मतलब हर चीज नंबर के ऊपर नहीं डिसाइड करने का रहता है ना, क्योंकि मैं रिएक्ट करूंगा तो ओपिनियन फॉर्म होंगे, ओपिनियन फॉर्म होगा फिर वो आर्टिस्ट को अफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से आर्टिस्ट का जो आर्ट है वो मर जाता है। तो ओपिनियन किल्स एन आर्टिस्ट, ऐसा मेरे को लगता है। तो इंटरनेट पे जितने भी लोग हैं, मेरा सब लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपना ओपिनियन जो है थोड़ा सा सोच समझ के रखो, क्योंकि इट अफेक्ट्स, है कि नहीं। छोटे से छोटा क्रिएटर भी जब तुमको बोलता है कुछ तो तुमको लगता है कि यार ये क्यों बोल रहा है, बड़ा क्रिएटर बोलता तो भी लगता है कि अरे क्यों ऐसा, मीडियम क्रिएटर भी ऐसा कुछ बोलता है तो तुम सोचते हो क्यों बोल रहे हैं लोग मेरे बारे में ऐसा, है कि नहीं। तो सोच समझ के थोड़ा सा इंटरनेट पे बात करो सबके लिए, सारे चीजों को लेके, है कि नहीं। बात ज्यादा नहीं करते, चालू करते अपन। वो 3 मिनट का ही गाना है, एमिवे ने लास्ट 8 मिनट 10 मिनट का गाना निकाल के मेरे को ऐसा लगा सब 3 मिनट का ही गाना क्यों है। बढ़िया तो पड़ा, बढ़िया शूट किया। कितना मस्त है उसके हाथ में, ओह स्काई बढ़िया लग रहा है भाई। Look what you made us. Look what you made us.
नाइस, अच्छा सॉन्ग है, छोटा सा है ना, ऐसा एमवीवे का मुंह देख के लग रहा है कि एनलाइटमेंट हो गया उसका थोड़ा सा, ऐसा कुछ ऐसा रेज वेज आके पता नहीं, थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है इसमें, क्या पता उसके पर्सनल लाइफ में क्या चालू है अपने को पता नहीं है। जब तक ऑटो ट्यून था तब तक मेरे लिए थोड़ा सा फनी था, क्योंकि ऑटो ट्यून थोड़े से फनी होते हैं गाइस, मानो या ना मानो, कोई कितना भी बड़ा सिंगर अगर ऑटो ट्यून करके अपने गाने को ये करेगा तो थोड़ा सा फनी हो जाएगा, क्योंकि और मोस्टली लोग करते भी है, तो जितने भी लोग करते मेरे को फनी लगता है वो तो। बट जब एमवीवे ने अपना बीच में एक्चुअल आवाज में जो वो हमेशा रैप करता है वो आया, तब मेरे को मजा आया बहुत ज्यादा, है कि नहीं। इट्स अ गुड सॉन्ग, क्रिटिक करने ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एमवीवे थोड़ा सा मतलब उसके पर्सनल लाइफ में जो ऑलरेडी जो बीफ जितना उसका चल रहा है, जो भी चल रहा है उसमें, अगर हम लोग उसके आर्ट को अभी जो वो पुट आउट करना चाह रहा है, अपना हार्ट पुट आउट करना चाह रहा है, उसे भी अगर लोग क्रिटिक करेंगे तो थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई हर चीज क्या जज कर रहा है ब्रो, वैसा है। तो इसमें उसने ट्राई किया है कि उसके पर्सनल लाइफ में, उसके सोशल लाइफ में, जो भी उसका मेंटल हेल्थ जो भी है वो शायद से पुट आउट कर रहा है, तो इट्स अ गुड सॉन्ग है कि नहीं। आई कैन गिव अ थम्स अप, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर सॉन्ग्स फ्रॉम एमवीवे, मतलब अभी बहुत टाइम बाद ऐसा इतना मेंटली इतना जो वो लोग के ऊपर गुजर रहा रहेगा उससे बाहर आके कर रहा है, तो मैं गुड विशेज ही दूंगा एमवीवे को कि भाई अच्छे अच्छे और सॉन्ग करो और म्यूजिक करो, है कि नहीं। तुम्हारी फैंस, तुम्हारी जितनी भी है मतलब उनको खुश करो, है कि नहीं। मेरे को तो बहुत मजा आया, बाकी मैं उतना मजा नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जेन्युइनली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मेरे अंदर एक गंजा आदमी बहुत जोर जोर से नाच रहा था गाना सुन के, बट मेरा गर्दन बहुत ज्यादा दुख रहा है तो मैं इधर उधर भी देख नहीं पा रहा हूँ। बट बाकी मैं ट्राई तो करूंगा कि पूरा सॉन्ग में रखूँ, बट लोगों को समझने का जरूरी है ये चीज कि मैं यूट्यूब पे कमाता हूँ है ना, यूट्यूब के थ्रू मेरे वीडियोज मोनेटाइज होते हैं। अगर मैं पूरा वीडियो बैक टू बैक ही ऐसा रिकॉर्ड करता हूँ, बट अगर मेरे को कॉपीराइट्स आएंगे तो मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि ये वीडियो का मोनेटाइजेशन रुक जाए और मैं नहीं कमा पाऊँ, तो मेरे को काट काट के डालना पड़ेगा। और एमवीवे के फैंस से ये रिक्वेस्ट है, सारे जितने भी फैंस हैं, कि थोड़ा सा कंसिडरेट हो जाओ, मतलब एमवीवे के फैंस एकदम एमवीवे करने वाले, उतने ही ज़्यादा थोड़े से नॉट वेलकमिंग भी है ये चीज़ों को लेके। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लास्ट जो एमवीवे का सॉन्ग था जिसमें मैंने रिएक्ट किया, जैसे मेरे को किसी के भी पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, तुम क्या करते हो क्या करते हो, मैं तुम्हारा, तुम गाना बनाते हो मैं गाना एंजॉय करना है, तुम्हारा हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस साइंस वन साइंस टू एलजेब्रा ज्योमेट्री कुछ फर्क मेरे को फर्क, ठीक है। तो मेरे को राखी का रेफरेंस नहीं पता था और कुछ कुछ रेफरेंस नहीं पता था, तो एमवीवे के फैन सीधा ये थे भाई तेरे को राखी रफ्तार है वो पता नहीं है तो भाई वीडियो मत बना, छोड़ दे, वाटा गाना काट काट के कर रहे तू, वाटा मत बना वीडियो, मतलब थोड़ा सा कंसिडरेट सबको होना चाहिए, है कि नहीं, थोड़ा सा वेलकमिंग रहो। तो मैं एमवीवे के गाना और सुनूंगा, तुम्हारे साथ मैं भी शामिल होके उसके साथ नाचना चाहूंगा तुम्हारे साथ, है कि नहीं। बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, तो पता तुम लोगों क्या करना है, तुम लोगों करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट दुआ, अपन तुम लोगों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, बाय, पीस। राखी रफ्तार है वो पता नहीं है तो भाई वीडियो मत बना, छोड़ दे, वाटा गाना काट काट के कर रहे तू, वाटा मत बना वीडियो, मतलब चैनल तो तुम्हारे बाप का नहीं है, अगर ऐसा मैं तुम लोग को बोलूँ तो कितना बुरा लगेगा तुम लोग को, है कि नहीं।